बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास एक सरफेस हो, जिस तरह ये मेरे पास एक सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर ग्रिड में पॉइंट किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। तो चलें एक नई ड्राइंग ओपन करते हैं और उसमें मैं आपको 0-6 प्लान करता हूँ। सबसे पहले मैं एक सरफेस इम्पोर्ट कर लूँगा अपनी ड्राइंग के अंदर और मुझे एक रेफरेंस चाहिए, जिसे जो फॉर एग्जांपल एक मैं अलाइनमेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपके पास जो भी रेफरेंस है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास एक अलाइनमेंट है, मैं अलाइनमेंट को यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं इस तरह करता हूँ, मुझे जिस तरह मेरी अलाइनमेंट की डायरेक्शन है, मुझे इसी तरह इस सरफेस के अंदर एक्स पे भी पॉइंट चाहिए और वाई पे भी पॉइंट चाहिए। तो मैं एक एक्सेल लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे। मैंने दो एक्सेल लाइंस लगा ली हैं। अब मैंने करना इस तरह है, सबसे पहले पॉइंट क्रिएट करना है। क्रिएट पॉइंट पे जाऊंगा और सबसे पहले पॉइंट आइडेंटिटी पे जाऊंगा। मैंने पहले ड्राइंग यूज़ की थी इसलिए पॉइंट नंबर 8 शो करे। आपने पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करना है, उसके बाद पॉइंट क्रिएशन पे जाना है आपने। प्रॉम्प्ट फॉर एलिवेशन, इसको ऑटोमेटिक। प्रॉम्प्ट फॉर पॉइंट नेम्स, नन। प्रॉम्प्ट फॉर डिस्क्रिप्शन, इसको भी नन कर देना है। अगर आप इसको नन नहीं करेंगे तो ये आपसे हर पॉइंट, जितने भी यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, हर पॉइंट के लिए आपसे मैनुअल मांगेगा उसका नाम या डिस्क्रिप्शन जो भी होगी। इसलिए मैंने इसको यहाँ से नन कर दिया है। तो चलें आगे आपको मैं बताता हूँ। आपने जाना है फोर्थ ऑप्शन जो है, इस पे आपने क्लिक करके ऑन ग्रिड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये नीचे कह रहा है स्पेसिफाई अ ग्रिड बेस पॉइंट। तो हमारा बेस पॉइंट ये है, मैं अपने बेस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और ये मुझे कह रहा है ग्रिड रोटेशन। तो डेफिनेटली मेरी रोटेशन है, इस पर अलाइनमेंट में इसको यूज़ करूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है एक्स स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 देता हूँ, आपको जो रिक्वायर्ड हो आप वो दे सकते हैं। इंटर। उसके बाद वाई स्पेसिंग, वाई स्पेसिंग भी मैं इस पर 10 इंटर कर देता हूँ। अब ये मुझे कह रहा है, पूछ रहा है स्पेसिफाई द अपर राइट लोकेशन फॉर द ग्रिड। अपर राइट लोकेशन इसकी ये वाली आ जाएगी, जिस आपने वहाँ पे क्लिक करना है जिससे इस कॉर्नर से लेकर ये आपकी पूरी सरफेस को कवर करे। तो मैं यहाँ पे बाहर कहीं पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो लग की है रेक्टेंगल, इसके अंदर ये सारे पॉइंट होंगे, लेकिन जहाँ पे सरफेस है, जो ग्रिड के अंदर आ रही है सरफेस, सिर्फ उसी एरिया में आपको पॉइंट क्रिएट करेगा। तो ये नीचे पूछ रहा है चेंज द साइज और रोटेशन ऑफ द ग्रिड सरफेस। यस आर नो, डेफिनेटली नो, नो पे एंटर करूंगा। और एंटर कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पॉइंट ऑटोमेटिक जनरेट हो गए हैं सारे। इनका मैं आपको डिस्टेंस भी चेक करवा देता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट 10 मीटर, पॉइंट टू पॉइंट 10 मीटर। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।